विदिशा में सांची रोड स्थित गर्ल्स कॉलेज के सामने आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने तमिलनाडु में हुए लावण्या कांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम की वजह से दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर यातायात थाना प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को हटाने का प्रयास किया, उसके बाद भी वे नहीं माने। मौके पर CSP विकास पांडे कोतवाली थाना TI आशुतोष सिंह पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। CSP विकास पांडे ने बताया कि नियम विरुद्ध बिना सूचना के चक्का जाम करने पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। गर्ल्स कॉलेज के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धरना प्रदर्शन कर रहे थे, चक्का जाम किया। यहाँ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा अपनी मांग को लेकर गर्ल्स कॉलेज के सामने धरना दिया गया था, जिनमें सभी लड़कों को समझाइश देकर यहाँ से उठाया गया। इनको अभी थाने ले जाया जा रहा है, उसके बाद फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मांग क्या है? ये तमिलनाडु में लावण्या लड़की, उसको न्याय को लेकर मांग कर रहे हैं। लावण्या तमिलनाडु की, उसको न्याय के लिए मध्य प्रदेश में ज्ञापन प्रक्रिया हो सकती है, चक्का जाम क्या उचित है? निश्चित रूप से ये गलत है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। बोलो।